बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसा तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अकवाम की तरह आपकी दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आपने कौम में इस बात का ऐलान कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्त हदायत पर मामूर फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 741 ता 781 कबल मसीह है। आपका कुरान करीम की 6 सूरह मुबारक में जिक्र आया है। इनमें पहली 4 सूरह मुबारक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। नून बड़ी मछली को कहते हैं, चूँकि आप कई दिन एक मछली के पेट में रहे इसलिए मछली वाला कहा गया है। कुरान करीम की 10वीं सूरत आपके नाम पर है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब की खबर दी तो ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाएगा अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर बस्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तोबा इस्तिग़फ़ार कर लें, मगर आपको ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तोबा इस्तिग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इंकसारी के साथ तोबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह पाक ने कौम यूनुस की तोबा कबूल कर ली और उनसे अजाब हटा लिया। रवायात में है कि यह अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। दूसरी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजुल होगा। उनके तोबा व इस्तिग़फ़ार का हाल इन्हें मालूम नहीं था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो जाए वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहाँ तक के बहीरा रोम के किनारे पहुँच गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। आपको उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुँची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और न पीछे। कश्ती वालों ने मुनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालम, गुनहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबी खौफ की वजह से था, बेइज़्ने इलाही ना था, और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अज़ाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए, लेकिन कुरानदाजी में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा आप ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरत साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानदाजी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, एक तरफ कुरानदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आपको अपने पेट में जगह दे दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन के तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रहती। बाज़ अफराद ने 7 दिन, बाज़ ने 5 और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत सिर्फ 6 घंटे लिखी है, लेकिन हकीकत हाल तो सिर्फ अल्लाह पाक को ही मालूम है। इस हालत में हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आपको बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल ना रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आपके लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आ खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ़ नहीं क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आपको लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह पर पहुंची तो आपने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समुंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आपकी तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी सरजमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब और रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आपको समंदर के किनारे डाल दिया। दोस्तों, पिछली अक़वाम में कौम यूनस की मिसाल सबसे मुनफरद है कि जिसने अजाब के वकूअ होने से पहले ही सिद्ध के दिल के साथ आजी और आहजारी करते हुए तोबा इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया। जबकि कौम नूह, कौम हूद और कौम सालेह और कौम लूत वगैरह अजाब से डराने और बार बार तंबीह के बावजूद शिर्क और कुफर पर ढिठाई से जमी रहीं और अजाब की बात को मजाक में समझती रहीं। चुनाचा जब अजाब इलाही का शिकार होकर हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो गईं। कुरान करीम में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफ़ा देता, सवाई यूनस की कौम के, जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी ज़िंदगी में उनसे रसवाई का अज़ाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फ़वाइद से बहरमंद रखा। सूरह यूसुफ़ की इस तफसीर का हासिल ये है कि दुनिया का अज़ाब सामने आ जाने पर भी तोबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता बल्कि तोबा कबूल हो सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तोबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक वो गरगरा की हालत में न पहुंच जाए। गरगरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है कि जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होकर आखरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों पर हमारी की गई तोबा को कबूल फरमाए। आमीन।